तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में, और अपन अपनी मास्टर चर्चा सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही चालू कर लेते हैं। तो भाई लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 ड्रॉप हो चुका है, जिससे भाई अपन ने उम्मीद बहुत ज्यादा लगा ली थी, और उस उम्मीद से भी बहुत ज्यादा खड़ा उतरा है। यहाँ पर इतने खतरनाक ब्रूटल सीन आए हैं, माइंड फक्ड हो चुके हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो भाई एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। उसको जब देखोगे तभी मजा आएगा। और मैं सही बताऊं, जब अपन एपिसोड देखते हैं अपन अपनी कुछ प्रेडिक्शन लगाते हैं, सोचते हैं आगे जे होगा, लेकिन भाई जो चीज़ आगे हुई उसने सबको हिला के रख दिया है। खैर उसी के साथ पता चला कि एरिक मार्टन जो लोकी के राइटर हैं, उन्होंने कहा कि एपिसोड 5 और 6 तुमको खोल कर रख देगा, कि ऑडियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और सही बताऊं, ये स्टेटमेंट बहुत ही जस्टिफाई करता है, क्योंकि एपिसोड 4 का जो लेवल था ना, उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि भाई एपिसोड 5 और 6 फाड़ देगा, मतलब कुछ तो अलग होने वाला है, जिसके लिए भाई एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, हफ्ते भर का इंतजार नहीं हो रहा है अब तो। और सही बताऊं तो एक तरह से मजा बहुत आ रही है। खैर इसी के साथ केविन राइट जो लोकी के प्रोड्यूसर हैं, उनसे जब लोकी सीजन 3 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई लोकी ओपन एंडेड सीरीज है, जहां लोकी का फीचर बहुत ही वाइड है। यहां पर लोकी का जो फीचर है वो टीवी तक सीमित नहीं है, वो किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है, उसकी स्टोरी एक्सपांड हो सकती है वो, क्योंकि भाई लोकी की पॉपुलरिटी देख के ऐसा लगता है कि लोकी को अभी तो बंद नहीं कर सकते हैं। ऊपर से भाई मार्वल का डिज्नी प्लस का एक लौता शो बन चुका है लोकी, जिसको सीजन 2 मिला है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो सीजन 3 आएगा तो जरूर। खैर मार्वल की नई पुस्तक यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ऑफिशियल टाइमलाइन से पता चला कि हमारी प्यारी वांडा इज डेड, मतलब कि किस्मत पे यही लिखा हुआ था। उसका बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, और वो एक अच्छे एवेंजर्स के माहौल में डोल रही थी, लेकिन भाई एक रोबोट से प्यार करना भारी पड़ गया। उसके बाद बच्चों की ललक लग गई, और इसी के साथ उसकी धड़कन भी वांडागोर माउंटेन में बंद हो चुकी है। यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से यूनिवर्स 616 की वांडा अब जा चुकी है। लेकिन भाई निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि भाई मार्वल ने मल्टीवर्स के रास्ते खोल दिए हैं, तो हमारी यही वांडा कहीं से भी कहीं ना कहीं आई जाएगी। और मल्टीवर्स मैडम इसकी हल्की ग्लिम्स देख चुके हैं, तो भाई क्या पता कौन सी वांडा कहां से आ जाए। और मार्वल को यह भी पता है कि लॉन्डे असल में देखना क्या चाहते हैं, मॉमी वांडा को और किसको। अब मार्वल वाले महिला मंडल की ना के बराबर हाइप होने के कारण मार्वल वाले अपना कुछ पैतरा आजमा रहे हैं। उन्होंने एक फंदरू छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन धमाकेदार होगा, ऐसा होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। देखो मैं देख सकता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इनके जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाला, क्योंकि तुम जानते हो भाई मूवी आते ही एक दिन के अंदर ही अंदर अपन को पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिल जाएगा, क्यों पैसे बर्बाद करें। खैर सुनने में आया है कि इसकी प्री सेल्स बहुत ही लोएस्ट है। देखो सही बताऊं, किसी के लिए हेट नहीं है, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही इस मूवी को देखने के लिए। खैर इसके साथ स्पाइडरमैन नो वे होम में जिसकी कुछ कॉन्सर्ट आर्ट सामने आई है, जिसमें भाई पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में ना लड़ते हुए वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमको टोबे का यूनिवर्स दिखा, यहाँ पर रिंग दिखी, यहाँ पर वो रेंट वाला बंदा दिखा, और भाई एक तरह से सही हुआ ये सीन मूवी में नहीं था, क्योंकि भाई ऐसा ही एग्जैक्टली सीन अपन ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था बाद में, जो वहां पर ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि भाई टोबी और एंड्रू की हाइप इतनी ज्यादा थी, ऐसे इस तरह उनको स्पॉइल नहीं कर सकते थे। खैर एक चीज जो स्पॉइल नहीं हो रही है वो है डेडेविल बॉर्न अगेन सीरीज, जिसका भाई शो रनर मिल चुका है, जो कि भाई पनिशर के प्रोड्यूसर है डारियो। इसी के साथ डेडेविल बॉर्न अगेन मार्वल स्टूडियो की फर्स्ट एवर सीरीज बन चुकी है, जिसका शो रनर बैठा हुआ है। शो रनर पूरे शो को चलाने का काम करता है, वो चेक करता है कौन सी चीज कहाँ डालनी है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है। और इसी के साथ लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर जस्टिन और एरॉन भी डेडेविल को डायरेक्ट करेंगे, और इसी के साथ पता चला कि डेडेविल को थोड़ा सॉफ्ट रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कि पूरी कास्ट चेंज नहीं करेंगे, और जो शूटिंग हो चुकी है हल्के फुल्के सीन वहां से भी लिए जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्वल अपनी गलतियों से सीख रहा है, उसको सुधार रहा है, और एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर कर रहा है। खैर डिज्नी प्लस ने एमसीयू की टाइमलाइन को ठीक करा है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शांग-ची मूवी फाल्कन एंड विंटर सोल्जर से पहले आई थी। खैर केविन यानी कि टोपी मास्टर ने कहा कि जैसे अदर मूवी आती थी, जैसे अपनी एक्समैन, इनकेडिबल हल्क, जिनके राइट अलग प्रोडक्शन हाउस पे थे, वहां से हमको क्रिएटर कंट्रोल की दिक्कत बहुत होती थी। यहाँ पर जब इनकेडिबल हल्क बना रहे थे तो हल्क के राइट के चक्कर में भी वो मार्वल वालों को सही काम करने नहीं देते, वो चिक चिक करते हैं या फिर स्टोरी अपने हिसाब से चेंज ही कर देते हैं। हालांकि मार्वल पर कंट्रोल आ चुका है तो वो अपने हिसाब से चीजों को बना सकता है। यार इसी के साथ वेनम 3 डिले हो चुकी है 2025 तक। देखो एक तरह से देखा जाए ना तो 2024 का स्लॉट खाली होते जा रहा है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो अनाउंस कर रहे हैं वो डिले होते जा रहा है, और डिले होते होते मैं कह रहा हूँ 2025 में इतना माल इकट्ठा हो जाएगा कि भाई रिलीज डेट के लिए तरसेंगे मूवियां। खैर इसी के साथ डेडपूल 3 की भी हालत बहुत टाइट है, क्योंकि इसका काम सिर्फ आधा हुआ था और एक्टर स्ट्राइक के चलते हुए इसका काम अभी अधूरा है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर स्ट्राइक 2-3 दिनों या अक्टूबर में खत्म हो जाए तो इसका काम जनवरी से चालू हो जाएगा, लेकिन भाई तब भी ये हमको 3 मई को तो देखने नहीं मिलेगी, ये हमको मिलेगी एंड ऑफ 2024 या हो सकता है 2025 में पहुंच जाए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका 4 का काम पूरा हो चुका है,
जिसका पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो भाई देखा जाए तो एक तरह से 3 मई की रिलीज डेट कैप्टन अमेरिका 4 ले सकता है। खैर अपने विक्टर टाइमली रियल लाइफ में मेजर केस में फंस चुके हैं, वही अपना जोनाथन मेजर का केस जो चल रहा था वहां पर फाइनल इनको डेट मिल गई है। मतलब केस में कुछ तो बढ़ ही रहा है। मैं तो कहता हूँ यार फटाफट निपटाओ यार, फैसला करो फटाफट रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि वह मार्वल के मल्टीवर्स सागा का विलन है, वो ऐसे नहीं खेल सकते उससे। हालांकि भाई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भैया मार्टिन भैया ने यह कहा कि सुपर हीरो वाली मूवी यानी कि कॉमिक बुक पे बेस्ड होने वाली मूवी कल्चर को खराब कर रही हैं, क्योंकि भाई लोग अब नॉर्मल मूवी नहीं देखना पसंद करते हैं, उनको चाहिए भाई सुपर हीरो माल। और भाई इसी को लेकर भाई लोकी के प्रोड्यूसर केविन राइट ने कहा कि भाई कोई भी बंदा लोकी सीजन 2 को देखकर यह कह दे कि भाई एक सिनेमैटिक नहीं है, यहाँ पर एक यूनिवर्स वो बिल्ड कर रहे हैं। और भाई देखा जाए तो सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स को अच्छी तरह बिल्ड कर पाते हैं। देखो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंटेंट आते हैं, मैं तो कहता हूँ स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, बंदे को लगना चाहिए कि भाई मजा आया, भले वो सुपर हीरो हो या नॉन सुपर हीरो हो, स्टोरी में दम होना चाहिए, ऑडियंस उस कंटेंट से हुक्ड रहे, ऑडियंस को कुल मिलाकर मजा चाहिए, किस तरह का भी मजा प्रोवाइड करो आप तो। क्योंकि जैसा तुम्हें पता है कि भाई 2008 से लेके 2019 तक मार्वल अपने पीक पे था, यहाँ उसके बाद वो हगी मारू बनते जा रहा है, और भाई लोकी की सीरीज ने थोड़ी मार्वल की इज्जत बचा रखी है। खैर भाई डेविड विंचर जो रैम सेमी से पहले स्पाइडरमैन को डायरेक्ट करने वाले थे 1999 में, यहाँ उन्होंने एक आइडिया पिच करा था कि हम इस मूवी में पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाएंगे, को ऐसा लगता है कि इसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाना एक डम आइडिया है। मतलब ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि मूवी की शुरुआत हो पीटर पार्कर अपने बेड से उठे, तैयार होकर खिड़की से कूद जाए और अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करते करते स्कूल पहुंच जाए। मतलब कुछ नहीं बताया जाए कि कैसे हुआ, कहां हुआ, क्या दिक्कत थी, कौन सा स्पाइडर ने काटा, कहां काटा। अरे भैया मैं सही बता रहा हूं, इसकी अम्मा बहन भी आ जाऊंगा। फिर भाई अल्टीमेट स्पाइडरमैन की एक कॉमिक सीरीज आएगी जिसकी स्टोरी ओल्ड पीटर पार्कर की स्टोरी को फॉलोअप करेगी। मतलब स्पाइडरमैन अब फैमिली मैन बन चुका है, काफी डिफरेंट अप्रोच होगी, या वो अपने हीरो वाली रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी भी संभालेगा, या वो मैरिड वाली लाइफ को कैसे एडजस्ट करेगा, वो चीज देखने लायक तो होगी। खैर भाई एक चीज जो देखने लायक नहीं हो पा रही है, बात करते हैं भाई डीसी यूनिवर्स की। तो पानी के जल पर एक्वामैन 2 की मूवी 2 दिन बाद रिलीज होगी, यानी कि अब वो 20 तारीख से 22 दिसंबर पहुंच चुकी है। और तुमको पता होगा कि भाई 21 को SRK की डंकी आ रही है और 22 को आ रहा है सलार। मैं सही बता रहा हूँ, एक्वामैन 2 को ना सही बता रहा हूँ जगह नहीं मिलेगी इसको टॉकीज में भी। हालांकि देखा जाए तो भाई वार्नर ब्रदर्स और डीसी पे कोई भी रास्ता नहीं है, इस मूवी को इसी साल में खत्म करना है कैसे भी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनका तो मन भी नहीं है रिलीज करने का, वो तो कह रहे हैं यार हो जाए जो होना हो जाए देखी जाएगी अब तो, क्योंकि भाई बारबी से पैसा आ चुका है, क्या टेंशन क्या है तुमको। क्या एक्वामैन में मीरा का स्मॉल रोल होगा कंपेयर टू एक्वामैन 1 से? ऑफ कोर्स भाई जॉनी भैया से पंगा लिया है, अरे जैक स्पैरो की बात कर रहा हूं, तुम कहां पहुंच जाते हो। क्या जेम्स वैन से एक्वामैन 3 के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है उनको मौका मिले तो वो जरूर करेंगे, लेकिन भाई स्टूडियो का तो मन नहीं लग रहा है मेरे को। क्या इसी के साथ जेम्स वैन से पूछा गया कि एक्वामैन 2 में बैटमैन दिखने वाला था बेन एफ्लेक का, क्या हुआ उसका? तो उन्होंने बताया कि भाई जो फ्लैश मूवी थी वो एक्वामैन 2 के बाद आने वाली थी, जहां पर हम बैटमैन पहले एक्वामैन में दिखाते उसके बाद फ्लैश में देखे उसको फेयरवेल दे देते, लेकिन अब उसको फेयरवेल पहले मिल चुकी है, इसका मतलब अब बाद में नहीं दिखा सकते, जिससे भाई स्टोरी मैस्ड अप हो जाएगी, जिससे भाई कोई सेंस नहीं बनेगा, सीधी बात तो यही है। खैर इसी के साथ वार्नर ब्रदर्स की एनिमेशन जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफिनिट अर्थ 24 जनवरी 2024 को रिलीज होगी, वो भी अमेज़न प्राइम पे। हालांकि यह चीज भी डिले हो रही है, डिले होते होते जनवरी में आ चुकी है। खैर इसी के साथ बात करते हैं छोटी मोटी अपडेट के बारे में। तो एक्वामैन 2 मूवी के साथ मैडमैक्स फ्यूरी 2 का टीजर भी दिखाया जाएगा, जिसमें भाई चार्ली थेरोन और भाई क्रिस हेम्सवर्थ भैया भी आएंगे। तो मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग पार्ट 1 के अगला पार्ट का नाम ये नहीं होने वाला है, मतलब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का टाइटल चेंज हो चुका है। जो भाई आगे क्या रखेंगे कुछ नहीं बताया, MI8 के नाम से ही आ जाएगी क्या पता, क्योंकि भाई कमाई तो बड़ी कम हुई है और नाम बहुत ही लंबा चौड़ा रख दिया है। हालांकि अगर मुझसे कोई पूछेगा, अगर पूछता तो नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा इसका नाम रख लो मिशन इम्पॉसिबल ये ना हो पाएगी। खैर जिसकी रिलीज डेट हमको मिल चुकी है 23 मई 2025 में, बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है, 2024 में आने वाली थी ये। खैर इसी के साथ क्वाइट प्लेस डे 1 जो कि भाई प्रीक्वल होगा क्वाइट प्लेस का, जो कि भाई 28 जून 2024 को रिलीज होगी और ये भी डिले होके गई है। खैर इसके बाद तुमने पहले समैरिटन 1 देखी होगी जिसमें सिल्वेस्टर भैया है, उनकी समैरिटन 2 की बात चल रही है। खैर जीन क्लोडे वैन डमाने जिनको तुमने अपनी लाइफ में किसी मूवी में तो देखा ही होगा, उन्होंने बताया कि उनको फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में आने का बड़ा ही शौक था, बड़ा ही मन था उनको भी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में गाड़ी की अम्मा बहन करनी थी, लेकिन भाई डीजल भैया ने उनकी गाड़ी में तेल नहीं डलवाया जिसकी वजह से वो गाड़ी चला नहीं पाए, एक तरह से मौका नहीं दिया उनको। खैर इसी के साथ हाईलैंडर मूवी आने वाली है, वो भी रिबूट होकर, जिसमें भाई हेनरी कैबल दिखने वाले हैं। और इसी
जॉन विक के डायरेक्टर चैड भैया इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई अब तो रीजन मिल गया देखने का। खैर स्नो व्हाइट डिले हो चुकी है 21 मार्च 2025 तक, लेकिन साला इसमें विलन देखो तुम गैगलॉट है। कैसे हो सकती है गैगलॉट विलन, और ऊपर से उसको ईवल क्वीन रखा गया है। ऊपर से मैं तो कहता हूँ ये रेचल लगती है मेरे को ईवल क्वीन तो यार। अबे इसको बना देते कौन है ये कास्टिंग काउच वाला। खैर इसके साथ कैन्यू रीफ के साथ कॉन्स्टेंटाइन 2 की बात चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है उसका भी। खैर इसके साथ पता चला कि डेविड फिंचर ने सोशल नेटवर्क 2 की बात करी है, वही मार्क जकरबर्ग वाली मूवी। इसी के साथ डेविड फिंचर की किलर मूवी का पोस्टर देखने मिला, और डेविड फिंचर ने बताया कि उनकी कैंसिल्ड मूवी बोले तो वर्ल्ड वॉर जेड कुछ कुछ भाई लास्ट ऑफ अस ऐसी होने वाली थी। जिन्होंने लास्ट ऑफ अस देखी है, उसका एनवायरमेंट देखा है, वही सारी चीजें वर्ल्ड वॉर जेड के पार्ट 2 में होने वाली थी, लेकिन भाई विच गॉट कैंसिल्ड। खैर नाउ यू सी मी 3 ऑफिशियली मूविंग फॉरवर्ड हो चुकी है, यानी इसकी बात चल रही है, वो आ सकती है, जिसमें भाई मैजिक वैजिक करते रहते हैं बहुत से लोग। इसी के साथ मैथ्यू पेरी जो भाई फ्रेंड शो में दिखे थे, जो कि भाई 54 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। क्या इसी के साथ मास्टर चचा सीरीज यहीं अपन खत्म करते हैं, तो भाई मिलते हैं अपन अगले हफ्ते। और तुमको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर तो भाई मिलते रहेंगे।